नमस्कार दोस्तों, कोड फिक्स में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं विन एरर 10061, नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूजिंग इट। ये एरर कब आती है और इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, देखिए इस प्रोग्राम में मैं टोर यूज़ करना चाह रहा हूँ, और जब मैं पोर्ट यूज़ करता हूँ, लोकल होस्ट के साथ पोर्ट यूज़ करता हूँ, तो वो कनेक्शन रिफ्यूज़ कर रहा है। तो पहले मैं आपको बेसिकली प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये बताऊँगा, और उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं ये बताऊँगा। देखिए अभी इस एरर पर हम काम कर रहे हैं, विन एरर 10061, नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूजिंग इट। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो इसलिए मैंने इम्पोर्ट रिक्वेस्ट किया हुआ है और इम्पोर्ट टाइम किया है जिसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा। स्टैम्प पैकेज यूज़ किया हुआ है मैंने और करंट आई पी करने के लिए एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, करंट आई पी क्या करेगा, गेट करंट आई पी करेगा, एक सेशन क्रिएट करेगा और हमारा करंट आईपी बताएगा। और इसके अलावा मैं प्रॉक्सीज यूज़ कर रहा हूँ, सॉक्स प्रॉक्सीज जो कि टोर के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सेशन बनाया प्रॉक्सीज का और इस तरीके से मैं लोकल होस्ट दे रहा हूँ और एक पोर्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शायद आप भी इस तरीके से पोर्ट और लोकल होस्ट दे रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पर लोकल होस्ट की जगह 127.0.0.1 करते हैं, या जो उनका लोकल आईपी होता है वो यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक ओपन पोर्ट यूज़ होता है जो कि उसको कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद इस प्रोग्राम में बहुत सिंपली एक ट्राई करके मैंने एक सेशन रिक्वेस्ट भेजी हुई है जो कि आईपी गेट करती है और एक्सेप्शन हैंडलिंग किया हुआ है। और नीचे आप देखेंगे तो एक फंक्शन बनाया हुआ है जो टोर पे आईपी रिन्यू करता है, यहाँ पे पासवर्ड के थ्रू टोर पे जो आईपी रिन्यू करता है वो प्रोसेस में जो पोर्ट रिस्पॉन्स करता है वो 9051 होता है, इसलिए यहाँ पे 9051 लिया हुआ है। और उसके बाद में एक फंक्शन के थ्रू मैंने ये दोनों कॉल किए हुए हैं। ये तो था एक प्रोग्राम की किस तरीके से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हैं, ये जो हमारी विन एरर आ रही है 10061 वो क्यों आ रही है और उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये मेन एरर इसलिए आ रही है कि जो हमारा कनेक्शन है मशीन के साथ में जो पोर्ट के थ्रू हो रहा है वो नहीं हो रहा है। यहाँ पर गलती क्या है, मैंने गलत पोर्ट लिया हुआ था। आफ्टर रिसर्चिंग मुझे पता चला कि 90 की जगह 91 पोर्ट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वो एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, और बस इतना चेंज करने से देखिए ये प्रोग्राम चल जाएगा। मैंने रन किया और अब देखिए ये मेरे को आईपी रिटर्न करेगा टोर का। ओ अभी ये अभी भी एरर दिखा रहा है। अभी अगर आपको भी ये एरर आ रही है अभी भी तो मैं बताता हूँ मैंने गलती क्या की है। जस्ट वेट कीजिए, मैंने टोर सर्विसेज रन नहीं की है इस वजह से भी एरर आ रही है। तो अभी मैंने अपना टोर वापस से रन किया है, अभी ये प्रोसेस हो रहा है और ये कनेक्टेड हो गया है। अब मैं ये फिर से रन करूँगा सेम प्रोग्राम, कोई चेंज नहीं करा है। मैं रन करता हूँ, अब की बार मेरा टोर सर्विसेज चल रही है और लोकल पोर्ट और पोर्ट रिस्पॉन्स कर रहा है लोकल होस्ट के साथ पोर्ट। तो देखिए अब मेरा आईपी रिटर्न आने लग गया है। अब देखिए हर जो मैंने लूप में लिखा हुआ है आप देख सकते कोड में, ये 5 टाइम रिस्पॉन्स करेगा, रेंज 5 में मैंने ले रखा है, ये 5 टाइम मेरा आईपी चेंज करके देगा। आप देख सकते हैं हर बार नया आईपी आ रहा है। और ये आफ्टर 5 टाइम ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ये हमारा होने वाला है, बस ये लास्ट था शायद। ये देखिए ये प्रोग्राम फिनिश हो गया है। अब आप देख सकते हैं हमारी कोई एरर नहीं आई है। जो एरर थी विन 10061 नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूजिंग इट जा चुकी है। अगर फिर से मैं अगर वो पोर्ट चेंज कर दूंगा तो ये एरर फिर से आ जाएगी। तो बेसिकली ये पोर्ट की एरर है। आप अपने सिस्टम में देखिए, आपने प्रोग्राम में देखिए, कहीं ना कहीं वो पोर्ट आप जो यूज़ कर रहे हैं वो या तो गलत होगा
या जो सर्विसेज आप रन करने की कोशिश कर रहे हैं वो बंद होगी, इस वजह से एरर आती है। आप देख सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बावजूद ये फेल्ड हो रहा है कनेक्शन, नो कनेक्शन कुड बी मेड आ रहा है, क्योंकि मैंने पोर्ट गलत दिया हुआ है वहाँ पे। अगर मैं इसे स्टॉप करके पोर्ट फिक्स कर देता हूँ तो ये एरर फिक्स हो जाती है। देखिए मैं दोबारा रन करता हूँ स्टॉप करके, ये पोर्ट मेरा काम कर रहा है तो ये प्रोग्राम परफेक्टली रन करेगा। देखिए आप दोबारा से देख सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम में भी देखिए, हो सकता है आप टोर यूज़ ना कर रहे हो सकता है आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो और सेम एरर आ रही है। बट मेन प्रॉब्लम यही है कि जो आपका लोकल होस्ट है और जो आपका पोर्ट है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप वो फिक्स कीजिए और आपकी एरर फिक्स हो जाएगी। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी एरर अभी भी बनी हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं स्पेसिफिकली आपका कोड भी देख सकता हूँ और उसे फिक्स करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोड फिक्स में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में जहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा।